आपको शक नहीं हुआ? ऐसा बना ही था कि शक करने की कोई बात ही नहीं था कि भाई बहन है, भाई बहन सब लोग, तो कोई उसमें क्या शक करे। और कल मालती हमसे बताई पूरा सिंदूर नहीं है क्या, ऐसा ही है? जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है उनको पता होता है। कोई भी आएगा, आप लोग भी आएंगे तो सिर्फ सोचेंगे चलते हैं, व्यू चलेगा, टीआरपी चलेगा, सब लोग इसी के लिए आते हैं। इसकी जिंदगी तबाह होती है, सिर्फ वो ही जानता है उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जो आप लोग ये कर रहे हैं ये सही कितना सही है आपको क्या लगता है? भैया देखिए विष्णु राज, नहीं आपको क्या, आप देखिए, हम आपको कह रहे, आप बीच में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर मालती चौहान गलत थी, ये मामला आपको थाने में जाना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था घर में। आपने पहली, सुनिए, पहली गलती ये की कि आपने वीडियो बना के वायरल कर दिया सीधे, उसके पहले इससे लोगों में फैल गया। सुनिए, इसके पहले थाने में मैटर गया था, वही चीज कि अर्जुन और मालती का जो अफेयर था, पहले चौकी पे आया, यहाँ लोग दोनों लोग एग्री नहीं किए, फिर थाने पे गया, नहीं किए, फिर मालती इंसाफ मांगने के लिए गई गोरखपुरिया भौजी के पास, वहाँ भी मैटर को सॉल्व किया गया और वहाँ फिर लिखाया गया जो लिखाना था। मालती चौहान, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतनी बड़ी गलती की है तो खून के आंसू आप रोओगी, खून के आंसू आप रोओगी, क्योंकि ये बंदा, इसकी वजह से आप जो हो, इसकी वजह से हो। एक विकलांग बंदा आपको कहाँ पे लोगों में पहचान आपके लिए बनाया, लेकिन उनको धोखा दे के वो उसके साथ चली गई, उसकी भी एक बीवी है, कहाँ जाएगी वो, उसके भी पास बच्चे हैं, तो आपने उससे बात नहीं किया? मैं क्या बात करूँ, क्या बात करने लायक। अच्छा विष्णु भैया, हमें आप ये बताइए, कितने दिन से वो आपके घर पे रहता था? 6 महीने से यहाँ आता जाता रहता था। तो कभी आपको शक नहीं हुआ? ऐसा बना ही था कि शक करने की कोई बात ही नहीं था कि भाई बहन है, भाई बहन सब लोग, तो कोई उसमें क्या शक करे। और कल मालती हमसे बताई पूरा कि हम लोग का अफेयर जो है नवरात्रि के एक दिन पहले से चलना स्टार्ट हुआ है, इस नवरात्रि। हाँ, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। हम, हमारी बेइज्जती हुई है तो अर्जुन के साथ हम रहेंगे, उन्हीं के साथ जिएंगे मरेंगे, और हम नहीं तो अगर आपके साथ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब बहुत ऐसे कुछ बातें हुई, हम कहें तो कहेंगे। तो बेइज्जती उसकी कैसे हुई है? बेइज्जती की लोग कह रहे हैं कि इनके साथ इनका गलत अफेयर है, और वो सही था उस चीज को लेकर के, कि जब मैंने किया है तो एक्सेप्ट करती। ये बेइज्जती करने वाला तो विष्णु राज ही है भैया। गलत गलत होता है, सही सही होता है। पहले थाने पे मैटर गया, फिर मालती भी तो बोली कि मैं बेगुनाह।